अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू एस्थेटिक मॉम। आर्ट इज़ माई पैशन बट आई लव टू कुक। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वो स्पेशल ज़र्दा जो कि शादियों में मिलती है, लेकिन शायद ही किसी ने ये सीक्रेट आपके साथ शेयर की होगी। कुछ ऐसे स्पेशल इंग्रेडिएंट जो हमारे ज़र्दा के टेस्ट को और भी स्पेशल बनाने वाला है। तो फिर आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राइस को बॉईल करने के लिए पानी चढ़ा देंगे। पानी में मैंने 2 तेज़पत्ता, 1 हरी इलायची और 3 से 4 लौंग डाले हैं। ये मैंने सेला चावल को 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो दिया था। 1 टीस्पून हमें फूड कलर लेना है ऑरेंज। जितना चावल लेना है उससे 4 से 5 गुना ज़्यादा पानी लेना है हमें। पानी में जैसे ही बॉयल आ जाए मैं इसमें अपने भीगे हुए चावल डाल दूँगी और चावल को हमें फुल्ली पकाना है। बिल्कुल भी इसमें कन्नी बाकी नहीं रहनी चाहिए। अगर इसमें ज़रा भी कन्नी बाकी रह गई तो हम जब चावल को चीनी में डालेंगे तो वो चीनी उसे अकड़ा देगी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 बिग कप के करीब चीनी और चावल मैंने इसी कप से नापकर 2 कप लिया था। और यहाँ पर जाएगा 100 ग्राम के आसपास देसी घी। आप रिफाइंड तेल का यूज़ बिल्कुल ना करें, घी ही यूज़ करें। और ये है वो स्पेशल इंग्रेडिएंट जो हमारे ज़र्दा के टेस्ट को और भी मज़ेदार बनाने वाला है। ये मैंने 1 संतरे का रस को निकाल लिया है और ये पेठा है जिसको मुरब्बा भी कहते हैं, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है। ये बड़े बड़े पीसेज रहते हैं लेकिन इसको हमें छोटे पीसेज में कट कर लेना है। और ये मैंने 20 से 25 काजू और बादाम को कट कर लिए हैं। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। 4 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची। और ये उसी स्पेशल इंग्रेडिएंट का दूसरा सीक्रेट है। ये मैंने संतरे के छिलके के थोड़े से पार्ट को बहुत ही बारीक छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिए हैं मैंने। बिल्कुल ही छोटा पीसेस होना चाहिए इसका, बड़ा नहीं होना चाहिए। और मेरा राइस 1/2 kg के करीब मैंने लिया था तो उस हिसाब से मैंने ये 1 टेबल स्पून लिया है। वैसे तो इसमें अंगूरी जामुन पड़ती है जो कि स्मॉल साइज़ में मिठाई होती है, आप ज़रूर उसे लें, उसका टेस्ट अलग आता है। मुझे नहीं मिली तो मैं ये ले रही हूँ। तो मैंने ये बड़े वाले साइज़ को स्मॉल पीसेज में कट कर लिया है। और ये खोया मैं 200 ग्राम के करीब यूज़ करूँगी। चावल को मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि ये परफेक्टली हुए हैं कि नहीं कुक, क्योंकि हमें इसे बिरयानी की तरह कुक नहीं करना है हाफ बॉयल, बल्कि हमें फुल बॉयल करना है। कहीं भी ये कच्चे ना रहें थोड़े भी, क्योंकि ये आगे जाकर दम में पकने वाले नहीं हैं, बल्कि ये चीनी की चाशनी में जब ये जाएंगे तो कड़क हो जाएंगे। अभी इसमें थोड़ी कन्नी बची है, मैं थोड़ा और कुक करूँगी, उसके बाद फिर मैं इसे छान कर अलग कर लूँगी। अब आगे मैं एक पैन में घी डालूँगी और उसमें ऐड करूँगी गरम मसाले। गरम मसाले घी में डालने से वो उसके अंदर अपना फ्लेवर रिलीज़ करेंगे। उसके बाद हम इसमें अपनी शुगर ऐड करेंगे। शुगर को हमें मेल्ट करना है थोड़ा सा, तो पहले मैं इसमें बिल्कुल ज़रा सा पानी डालूंगी क्योंकि शुगर मेल्ट हो ही जाएगा तो वो खुद ही लिक्विडी हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा पानी ऐड करूंगी ताकि शुगर को मेल्ट होने में आसानी हो। जब शुगर एक बार अच्छी तरह से घुल जाए पानी में उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड करूंगी अपने चावल, लेकिन उससे पहले मैं शुगर को घुलने दूंगी पानी में। ध्यान रहे पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है, बाकी पानी वो शुगर अपने खुद ही रिलीज़ कर रहे हैं चाशनी का। ऑलमोस्ट शुगर हमारा घुल चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो छिलके मैंने कट कर रखे थे। ध्यान रहे कि संतरा का छिलका कड़वापन पैदा कर देता है अगर एक्स्ट्रा पड़ जाए तो, इस वजह से हमें एक्स्ट्रा नहीं डालना है। लेकिन ऐसा भी ना करें कि आप ना डालें, एक बार ज़रूर डाल के ट्राई करें। आई गारंटीड कि आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा, आपका ज़र्दा में एक अलग फ्लेवर आ जाएगा। हमारे साइड में जो पार्टियों में ज़र्दे बनते हैं उसमें ये
मैंने देखा है बावर्ची यूज़ करते हैं संतरे के छिलके और संतरे का रस, तब से ही मैंने भी बनाना स्टार्ट किया और बिलीव मी उसका टेस्ट बहुत ही यूनिक आता है। और मैं उसके पास से जब भी ज़र्दा बनाती हूँ तो ये प्रोसेस ज़रूर करती हूँ। अब हम इसके ऊपर से अपने राइस ऐड कर देंगे और राइस डालने के बाद ये हम डालेंगे अपने संतरे का रस इस पॉइंट पे। ध्यान रहे कि अभी हमें चावल को बिल्कुल भी नहीं चलाना है, इससे दो गलतियाँ हो सकती हैं, एक तो हमारे चावल टूटे टूटे हो जाएंगे और दूसरे जब वो चीनी में इस पॉइंट में मिल जाएंगे तो वो हमारे कड़क से जो अकड़ जाते हैं ठंडे होने के बाद वैसे हो जाएंगे, तो हमें वो गलतियाँ नहीं करनी है। उसके बाद मैं धीरे धीरे इसमें सभी बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दूँगी। ड्राई फ्रूट में मैं रिकमेंड करूँगी कि आप काजू, बादाम, किशमिश और चेरी बस ये डालें, क्योंकि नारियल का अपना एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप नारियल का यूज़ ना करें। सारे इंग्रेडिएंट डालने के बाद हमें इसे दम पर चढ़ाना है, लेकिन याद रखें कि दम पर चढ़ाना है इसका ये मतलब नहीं कि चावल हमारे ओवर कुक्ड हो जाएंगे, बल्कि ये परफेक्टली कुक्ड ही रहेंगे। इसीलिए हमें चावल को बॉईल करते वक्त ख़ास करके ध्यान रखना है कि हमारे चावल अच्छे से पक जाएं। अगर वो थोड़े भी उसमें कच्चे रहेंगे तो इस पॉइंट में वो आगे जाकर पकेंगे नहीं बल्कि कड़े हो जाएंगे। अब इसे 10 से 12 मिनट के लिए दम पर छोड़ना है। अब ये 10 से 12 मिनट पूरे हो गए हैं तो मैं खोलकर एक बार इसे चलाऊँगी धीरे धीरे, लेकिन हमें इसमें फोक का यूज़ करना है चलाते वक्त। कांटे वाले चम्मच की मदद से ही धीरे धीरे करते हुए इसे पूरा पलट लेना है। आप चाहें तो इस पॉइंट पे आप अपने जर्दे की फ्लेवरिंग कर सकते हैं, जैसे कि केवड़ा एसेंस या फिर मीठा अदर। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप मीठा अदर डालें, वो इजीली ऑनलाइन अवेलेबल भी है, और आप चाहें तो उसे जो ड्राई फ्रूट ये शॉप अलग से होते हैं जहाँ पर गर्म मसाले, ड्राई फ्रूट्स ये सब होते हैं, वहाँ पर ईज़िली मिल जाते हैं। सेंटर में एक बार हम चमचा डालकर चेक करेंगे, अगर यहाँ पानी बचा हो तो हम वापस से इसे ढककर थोड़ी देर कुक करेंगे, और आप चाहें तो थोड़ा सा आंच को हाई फ्लेम पर करके पानी को सुखा सकते हैं। क्योंकि इसमें पानी सूख चुका है तो मैं एक बार इसे अच्छे से चारों तरफ से मिक्स करूँगी धीरे धीरे, लेकिन हल्के हाथों से, क्योंकि घर पे कुछ लोगों को कम मीठा पसंद होता है और कुछ को ज़्यादा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पहले चीनी कम डालें और बाद में इस पॉइंट पे आकर आप टेस्ट करें और कुछ आप उनके लिए निकाल लें। अगर शुगर आपको और ऐड करना है तो इस पॉइंट पर आप शुगर और ऐड करके और थोड़ी देर और इसको हम शुगर के मेल्ट होने तक पकाएंगे। शुगर ऐड करने के बाद हम हल्के हल्के फोक की मदद से हल्का चला लेंगे ताकि शुगर हमारे नीचे जाकर और जल्दी मेल्ट हो जाए। अब ये मेरे परफेक्ट ज़र्दा रेडी हैं, अब इसे सर्व करें और गार्निश करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ज़र्दे का मज़ा लें। उम्मीद करती हूँ कि आप एक बार इस ज़र्दे को ज़रूर ट्राई करेंगे और आपको कैसा लगा ये हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड।